भागती दौड़ती जिंदगी में हर किसी को अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है, फिर चाहे लड़की हो या लड़का। इसीलिए वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन ने गुजू रयू निदुकीय कराटे क्लासेस के जरिए छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को सेल्फ डिफेंस और कराटे क्लासेस प्रशिक्षण देते हैं। ये इवेंट एक सब जूनियर कॉम्पिटिशन है इंटर स्कूल लेवल पे, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 के अंदर ओलंपिक है और इसी साल एशियन गेम्स भी आ रहा है, और बहुत पहली बार 2019 में यूथ ओलंपिक आने जा रहा है, तो जहाँ पे अपने सब जूनियर और अपने कैडेट मतलब जो 14 ईयर्स के बच्चे लोग हैं उन्हें काफ़ी बड़ा प्रोफेशन मिलने वाला है। तो ये कोशिश है कि बच्चों को हम लोग बताएं कि जितने भी एरर्स है अपने गेम के अंदर या जितने भी टेक्निकल फेल्यूअर्स है वो यहाँ पर आए खेलें, पर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली करें। मैं खुद एक एशियन जज हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी टीम और मेरे सभी ऑर्गेनाइजर्स है कि ये इवेंट एक काफ़ी नेशनल लेवल का इवेंट हो। ये लेवल पे हम लोग एशियन गेम्स ये सीनियर के लिए होता है, पर जो कैडेट जूनियर होते हैं कॉम्पिटिशन उसके अंदर अभी भी इंडिया काफ़ी पिछड़ रहा है। पर हाँ, जो बेसिक फैसिलिटीज बच्चों को देते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैट दे रहे हैं या मिट्स है, इस बारे में अभी धीरे धीरे क्यों ना हो अवेयरनेस आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आज सुबह से कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है कि डॉक्टर का पूरा टीम है, तो एक पेरेंट्स का फेस जीतने के लिए हम लोग कामयाब हो चुके हैं। तो इसी वजह से शायद से आने वाले टाइम के अंदर पेरेंट्स कराटे को एज अ स्पोर्ट्स करके काफ़ी बड़े लेवल पर देखेगा। यहाँ पर जैसे कि कॉम्बैट आर्ट है, आप बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो, कराटे है, रेसलिंग है, ये एज वाइज भी होता है और वेट कैटेगरी वाइज भी होता है, और सब जूनियर्स के लिए भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन कैटेगरीज रखी है, पहला है बिलो 12 इयर्स का, दूसरा बिलो 14 इयर्स का और बिलो 17 इयर्स का, और उसके साथ साथ एज के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने रखा है वेट कैटेगरीज, ताकि आपने देखा ही रहेगा कि बच्चे लोग अंडर 14 है जिनका हाइट कम से कम 5 फीट एंड अबव, पर वहाँ पर वही बच्चे लोग उनका हाइट अभी भी 3.5 के ऊपर भी नहीं गए। सो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होगा कि अगर हम लोग एक छोटे वेट कैटेगरी को बड़े वेट से लड़ाए, इसीलिए ये ओलंपिक का IOC का एक टफ कॉल है। धीरज, आज के ज़माने में जो इंडिया के अंदर जितने भी यंग इंस्ट्रक्टर्स हैं उसके अंदर मैं बोलूँगा कि धीरज टॉप 5 के अंदर आता है। आने वाले महाराष्ट्र के लिए आने वाले नेशनल्स के अंदर जैसे MP हरियाणा, यहाँ पे काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी अली धीरज कैन कम हियर, धीरज यहाँ पे मेरे साथ में ही है। तो धीरज एक काफ़ी यू नो अपकमिंग एंड वेरी इंथुजियास्टिक कोच है, और यहाँ पे उन्होंने इस बार भी सेट पे 2 मेडल मारे काफ़ी तगड़े, और आने वाले नेशनल्स के अंदर धीरज सर की टीम बहुत तगड़ी है। पर नॉट रॉन्ग, यहाँ पर भी धीरज सर की टीम सबसे बड़ी दाद के अंदर आई है, नॉट रॉन्ग अभी भी वो टॉप 5 टैलेंट के अंदर है। सीख रहे कराटे क्लास।
मज़ा भी आता है, उतना सर सिखाते भी हैं हमें, और सर भी बहुत अच्छे हैं। सर तो हमेशा सिखाते रहते हैं न्यू न्यू चीज़, और हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं हर चीज़ में। पहले तो हम लोग 3-4 साल हो गया, पर बीच में एक सर ऑफ हो गए थे, तो सर ने अभी दूसरा क्लास स्टार्ट किया, तो उसमें पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर सिखाते तब सर के पास सीख रहे हो, कौन से बेल्ट तक पहुँचे? मतलब पहले मैं टाइकोंडो में आता था, लेकिन उसी चीज़ जाना उसमें वो छोड़ दिया, जिसके लिए मैं भी सर के पास जाता। तो सर अच्छा सिखाते हैं, हम लोग तब एकदम फ्रेंडली रहते हैं सर, तो कभी किसी को याद करके डांटते नहीं, बोल देते चुपचाप बैठो, बात मत करो, एक हाथ बोल देते, लेकिन किसी को भी हाथ नहीं उठाया सर ने। माझं नाव सोम अरुण कारलेकर आहे, मी आता 8वीमध्ये शिकतो आणि मी ओली फॅमिली स्कूलमध्ये आहे। हम सर का नेचर बहुत एकदम शांत स्वभाव का आहे। हम लोग कोलालंपूर गए थे मलेशिया, इधर उधर हम लोग 1 डिसंबर से 4 डिसंबर तक टूर्नामेंट्स था, उधर इंटरनेशनल लेवल्स का टूर्नामेंट्स था, तो उधर हमने पार्टिसिपेट किया था, और कुल मिलाकर 32 पार्टिसिपेंट्स है, उनमें के 2 कोचेस और 30 पार्टिसिपेंट्स। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री गया, तो थोड़ा नर्वस था, पर सर ने हम लोग को मोटिवेशन दिया, इसलिए हम लोग उधर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। मी इथे पार्टिसिपेंट केला आणि तिथे मला एकूण 6 मॅच झाल्या आणि तिथे मला गोल्ड मेडल यश मिळाला। खूब अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं वो, बचपन से मैं जानती हूँ उनको, वो अच्छा गाइड करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब अच्छे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से वो सिखाते हैं। आश पाटिल, मैं ऑलमोस्ट 8-9 ईयर से कराटे का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, खुद भी हार्ड वर्क करते हैं और हमें भी हार्ड वर्किंग बनाते हैं। मैं ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं अभी ब्लैक बेल्ट हूँ करंट। मैंने 2.5 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, मेरे डैडी कराटे के कोच है, वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे क्लास में। तभी मैं बहुत क्लास से भागता था, मुझे क्लास करना नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कराटे में, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट्स में खेलता गया मुझे इंटरेस्ट आता गया, और लास्ट ईयर तक मेरे 100+ स्टूडेंट्स थे, और मैंने एक टीम बनाया, बाद में कोचेस का टीम बनाया, वेल सेटअप किया, उनके साथ बात किया, जो एक टीम में जो
जो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे वो मैंने निकाल दिए और अच्छा टीम मुझे मिला, उसके बाद में एक फिल्टर किया हुआ टीम मुझे मिला और अभी तकरीबन मेरे 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और जैसे कि अनूप सर ने कहा, मतलब ऑल सब लोग मानते हैं कि टॉप 5 में जो इसमें है कि मेरा नंबर आता है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना है इसमें और टॉप 5 में नहीं, मुझे इंडिया में नंबर 1 पे रहना है। देखिए, मेरे जैसे कि बहुत से कोचेज है मारना, बच्चे हार गए तो, लेकिन वैसा नहीं होता। जब बच्चों को चोट लगती है तो हमें भी चोट लगती है, क्योंकि उनके साथ एक रिश्ता बन चुका होता है। जब बच्चे खेलते हुए अपने स्टमक पे पंच लग गया, फेस पे पंच लग गया, तो सबसे ज़्यादा चोट हमें लगती है कि नहीं, हमें अगर और कुछ ज़्यादा सिखाया होता तो उनको अगर वो चोट नहीं लगती थी। तो हम लोग उनको बेसिकली नेशनल के जो चैंपियंस हैं, इंटरनेशनल चैंपियंस हैं, उनके वीडियोस दिखाते हैं, उस तरीके से प्रैक्टिस होता है। नया इक्विपमेंट्स अभी आए हैं तो इक्विपमेंट्स हम जैसे हो सके वैसे परचेस करके नए इक्विपमेंट्स पे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स पे उनका ट्रेनिंग चालू होता है। उनके डाइट पे भी डाइटिशियन अपॉइंटेड है, डाइट उनका पूरी तरीके से जैसे उनको रिक्वायर्ड है वैसे डाइट उनका रहता है और इसे उनका पूरा ट्रेनिंग चालू है। अभी मेरे पास सबसे छोटी जो बच्ची है वो 3 साल की है और जो सबसे बड़े स्टूडेंट है वो 72 ईयर्स के हैं। बेसिकली हम लोग रोटरैक में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हर टाइम हम कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके हम बाहर आते हैं। तो ये टाइम हमने पहली बार सेंट ग्रेगरी स्कूल और कराटे अकेडमी को दोनों के साथ मिल के ये कराटे अकेडमी ऑर्गेनाइज़ किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। 300-350 बच्चे लोग का रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, तो टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग ऐसे ही आगे टूर्नामेंट इनके साथ करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हम कराटे के अलावा स्कूल के साथ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि कराटे के अलावा भी स्कूल बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि हमें आगे भी हमारे साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते आएंगे। धीरज पवार सर जो कोच आहे त्यांच्याकडून आम्हाला नवीन नवीन टेक्निक शिकायला भेटतात, नवीन नवीन चांगल्या फाईट्स भेटतात। आम्ही बाहेर नॅशनल, इंटरनॅशनल, स्टेट लेवल सगळ्या फाईट खेळतो। आम्ही आत्ता सध्या कोचिंग आणि रेफरी करतो, सध्या त्यांच्याकडून आम्हाला रेफरी सेमिनार अवेलेबल होतात, जे रेफरी एक्झाम असतात तिकडे आम्हाला पाठवतात, मॅचेस असतात, टुर्नामेंट्स असतात, तिकडे आम्ही जातो। सरांच्या निर्देशनाखाली आम्ही फाईट्स खेळल्या, नॅशनल टुर्नामेंट्स खेळल्या, आता इथे पण आम्ही रेफरीची जे समजा आमची परीक्षा जाईल आम्ही इथे रेफरी सेमिनार दिला, त्यांच्या अंडर आम्ही रेफरी एक्झाम दिली आहेत। त्यांचं सांगायला गेलं तर त्यांनीच आम्हाला सगळं काही काही शिकवलं, म्हणजे फाईट्सबद्दल सगळं, डिसिप्लिनपासून शिस्त, कराटे, फाईट्स आणि रेफरी, म्हणजे पंच कसा असेल, कोच कसा असतो, हे आम्ही त्यांच्याकडूनच शिकलो। संस्थापक धीरज पवार,